आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की इंग्लिश लेसन 7 सिस्टर्स। और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें मैं आपको मेघालय के बारे में बताऊंगी। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने अरुणाचल प्रदेश और लेक्चर नंबर 2 में आसाम के बारे में मैंने वीडियोज डाल दी है। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेघालय। हेलो फ्रेंड्स, आई एम द अबॉड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। माय कैपिटल सिटी शिलांग इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाईलैंड फॉग एंड सीनरी। माय पीपल स्पीक इंग्लिश, खांसी, पनार एंड गारो। आई एम ओवरवेलमिंगली ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग हियर इज इम्पॉसिबली ग्रीन एंड अलाइव। द रोलिंग मिस्ट इन द वैलीज, द अनड्यूलेटिंग हिल्स, न्यूमरस लेक्स, वाटरफॉल्स, केव्स, सीक्रेट फॉरेस्ट एंड एक्जॉटिक फ्लोरा एंड फौना आर फैसिनेटिंग। फर्स्ट में वो क्या बोलने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि वो अबॉड ऑफ क्लाउड्स, अबॉड बोल सकते हो आप कि द प्लेस वेर यू लिव, ठीक है। क्लाउड्स मेघालय, उसका कैपिटल क्या है, शिलांग, और उसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला गया है। क्यों? क्योंकि हाईलैंड्स फॉग एंड सीनरी। अगर आप मेघालय, अगर आप में से कोई गया होगा तो पता होगा कि वहां पे है ना फॉग बहुत होती है। फॉग बोल सकते हो आप धुंध, ठीक है, धुंध उधर ना बहुत ज्यादा है और इसलिए उसको बोला गया है। और माय पीपल स्पीक इंग्लिश, पनार, खांसी एंड गारो, तो वहाँ पे जो ये 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और वो ओवरवेलमिंगली मीन्स आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीमली ग्रेट, इसका मीनिंग बोल सकते हो वहाँ पे क्या है ना, ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो ग्रीन हैं और बहुत ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखो द रोलिंग मिस्ट इन द वैलीज, अब ये कैसा है मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो ये वैलीज दिख रहे हैं ना आपको, इसके बीच में जो ये दिख रहा है ना रोलिंग मिस्ट, यानी आप बोल सकते हो कि जैसे धुंध उनके बीच में से निकल रही है, चल रही है, ठीक है। तो इसको बोला गया है रोलिंग मिस्ट, ठीक है। और वहाँ पे लेक्स, हिल्स, वाटरफॉल्स, केव्स, सीक्रेट फॉरेस्ट, एक्जॉटिक फ्लोरा एंड फाउना आर फैसिनेटिंग, यानी बोलते हैं कि वहाँ की जो चीज़ें हैं ना ये केव्स वगैरह वो बोलते हैं ना काफ़ी आकर्षित हैं। तो फ्लोरा आप बोल सकते हो कि ये आपके प्लांट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो फ्लोरा में आएंगी और जो फाउना आएगी वो एनिमल से रिलेटेड होंगी। तो फ्लोरा एंड फाउना यानी वहाँ के जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो देखने में काफ़ी आकर्षित है, ठीक है। हियर जूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इवन टुडे। आई हैव लवली माउंटेन्स विद स्ट्रेचेस ऑफ वैली एंड हाईलैंड प्लेटोज। द रॉक फॉर्मेशन हियर कंटेन रिच डिपॉजिट्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम एंड सिलिमेनाइट। आई हैव मेनी रिवर्स, ठीक है। तो उनका कहना क्या है वहाँ पे कि जूम बोल सकते हो या शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है, वहाँ पर होती है। इवन प्रैक्टिस इवन टुडे, देखो प्रैक्टिस इवन टुडे मतलब कि ये जो जूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ना ये काफ़ी टाइम से ना बोलते बहुत पुराने सालों से ये चीज़ें ना चलती आई हैं, ठीक है। तो उसको वो जो चीज़ चलती आई ना वो लोग उसको आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उसी तरीके से कर रहे हैं। तो जूम कल्टिवेशन कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। जूम कल्टिवेशन, तो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये इमेज में आप देख रहे हो कि कुछ जला हुआ है, ठीक है। पहले उन्होंने यहाँ पे जलाया, आपको यहाँ पे बोलते ना राख, ऐश दिख रही है, जल के जैसे बोलते ना सब राख हो जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे जलाया। तो यानी उसको बोलते हैं जूम कल्टिवेशन, यानी कि जहाँ पे वो जो भी उनको कल्टिवेशन करना होता है ना तो पहले वहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनको पहले वो उस लैंड पे जो भी होता है उसको जला देते हैं। वो जलाने से क्या उनकी ऐसा है कि वो जो इसकी जो राख है ना, ये जो राख है इससे उनका जो सॉइल है ना फर्टाइल हो जाता है, यानी उससे ना उनका सॉइल अच्छा हो जाता है, इसलिए उसको जूम कल्टिवेशन वो लोग उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कल्टिवेशन होता है उसको जूम कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्टिवेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव लवली माउंटेन विद स्ट्रेचेस ऑफ वैली, हाईलैंड प्लेटोज, और हाईलैंड प्लेटोज हैं और उसके जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से वैल्यूएबल मिनरल्स आपको मिलेंगे, कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम, सिलिमेनाइट, ठीक है। उसके काफ़ी रिवर्स है, रिवर्स के नाम उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, है ना। प्लीज़ कम टू सी चेरापुंजी मोज़िनराम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यू कैन एन्जॉय द फॉरेस्ट एंड सेक्रेट ग्रुप्स हियर। अब देखो उन्होंने बोला कि जब भी आप हमारे सेवन सिस्टर्स में आओ घूमने के लिए, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे आओगे तो क्या जरूर आपको देखना चाहिए, चेरापुंजी या मोज़िनराम। अब उसकी भी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो चेरापुंजी मोज़िनराम, यानी ये हमारे अर्थ में है ना सबसे वेटेस्ट प्लेस है, यानी बोल सकते हो सब गीला या नम है ना, ये वाली जो है ना ये मोज़िनराम चेरापुंजी, ठीक है। और सेक्रेट ग्रुप्स बोल सकते हो, सेक्रेट मीन्स यू कैन से होली, और ग्रुप्स बोल सकते हो टाइप ऑफ प्लांट्स जो वहाँ पे आपको मिलेंगे। आई बोस्ट ऑफ सेवरल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फ्रेंड्स यू वुड बी अमेज्ड टू सी द क्रेम लियाट प्रहा विच इज द लॉन्गेस्ट केव एंड सिंड्रांग पमियांग विच इज द डीपेस्ट केव। यू कैन एंजॉय द पैनोरमिक व्यू ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम हियर, डू कम टू दिस पाइन फ्रेश माउंटेन स्टेट ड्यूरिंग द बंगाला फेस्टिवल इन ऑटम। अब देखो यहाँ पे है ना आपको दो चीज़ याद रखनी पड़ेंगी, वहाँ पे आप जब जाएंगे
तो वहाँ पे नेशनल पार्क्स काफी हैं, वाइल्ड सेंचुरीज वगैरह है, लेकिन जो वहाँ पे केव है ना, एक उन्होंने दिया है लॉन्गेस्ट केव, एक दिया है डीपेस्ट केव। तो क्रेमलियाट प्राहा जो है वो लॉन्गेस्ट केव है। तो लॉन्गेस्ट केव की पहले मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये देखो ये क्या है, लॉन्गेस्ट केव है, ठीक है। ऐसे सिंड्रंग पमियांग जो केव है वो क्या है, डीपेस्ट है, ठीक है, ये डीपेस्ट केव है। ये देखो देखने से कितना डरावना लग रहा है, डीप कोई भी चीज़ हो बोलते ना गहरा गहरा, तो वैसे ही लगती है। और ये रहा, ठीक है, तो जब भी आप जाओ अगर आप डरते नहीं हो है ना, तो जाके इधर विजिट करना, ठीक है। और उनका कहना है कि वहाँ से ना एक देखो, यू कैन एन्जॉय द पैनोरमिक व्यू ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम हियर। अब इसमें एक चीज़ है कि उनका कहना है कि जब आप मेघालय जाएंगे ना, तो पैनोरमिक मतलब आप बोल सकते हो एक अच्छा सा व्यू आप बांग्लादेश का आपको देखने को मिलेगा। कैसे, आप पहले है ना मैप से समझो, देखो नॉर्थ ईस्ट पार्ट को ही हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, इसका अगर आपको नहीं पता होगा तो इसका ना फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे ना तो पूरा डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है ना। ये देखिए आप मेघालय का पढ़ रहे हैं ना, इस टाइम पे आप मेघालय हैं, आप मेघालय गए हैं, तो मेघालय में से अगर आप इधर इस तरफ खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आपको किसका व्यू देखने को मिलेगा, पैनोरमिक व्यू बांग्लादेश का। इसलिए मैप में मैंने आपको दिखा दिया, मेघालय से अगर आपको कोई पूछता है कि आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो आप बोल सकते हो बांग्लादेश, ठीक है। To come to this fine fresh mountains state during the Bangala festival in autumn, ठीक है। तो देखो उनका कहना है कि जब आप इधर जाओ ना, तो आप बंगाला फेस्टिवल के टाइम ऑटम सीजन में होता है, आप जरूर उधर विजिट करो। अब देखो बंगाला फेस्टिवल क्या है, ये रहा बंगाला फेस्टिवल, ठीक है। तो आप जब जाएंगे ना, तो आप उधर जाके इस चीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये सब रिलेटेड मैंने आपको सिखा दी। अगर इसमें बोले कि मेघालय में आपको क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट, तो आपको इंपॉर्टेंट में यही याद रखना है कि इसका कैपिटल है शिलोंग, इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला गया है, इधर फोर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश, खासी, पनार, गारो, ठीक है। एंड इस सर आप बोल सकते हैं कि इधर कौन सा कल्टिवेशन होता है, जूम, जूम को अदर नाम आएगा शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और आपको उधर जो देखने के लिए वेटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ जो है वो है चिरापुंजी मोजिनराम। देन उधर जो दो केव्स आपको याद रखने हैं, क्रेमलियाट प्राहा जो कि लॉन्गेस्ट केव है, और सिंड्रांग पमियांग जो कि डीपेस्ट केव है। और आपको वंगाला फेस्टिवल के उसमें आपको जरूर जाके ऑटम सीजन में देखना चाहिए। और पैनोरमिक व्यू आपको कहाँ किसका देखने को मिलेगा जब आप मेघालय में, तो बांग्लादेश का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।